जोर रहेगा भाजपा की तरफ से विपक्ष की तरफ से? देख, चार पांच बहुत अहम मुद्दे हैं जिसमें कोरोना का संकट तो है ही, आज देश भर कोरोना नियंत्रित हो रहा है लेकिन अभी भी अपने सरकार को दिशा नहीं मिल रही। दूसरा, अतिवृष्टि जो अकाली बारिश हुआ उसके बारे में जो किसानों के हाल हुए उनको आज भी उनको मदद मिली नहीं है। 10,000 कोटी जाहिर किए लेकिन उसमें खाली 2,000 कोटी का प्रावधान किया है, वो भी उनको नहीं मिले। निसर्ग बादल कोकण में चक्रवात हुई, वहाँ भी कुछ अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र का पूरा खराब हुआ है, आज भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सुरक्षितता कहाँ भी नहीं। तो ऐसे सारे जो विषय हैं आज मुंबई की समस्या है, मुंबई के अनेक प्रकल्प है जिनको स्थगित दिया है, वो आगे नहीं जा रहे हैं, ये सारे चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाई। धन्यवाद। आपको बताया जो 31 मार्च को जो बजट हुआ वो बजट में जो पैसा मंजूर हुआ, बजट में जो तरतूद की उसमें से 50% डबल दुगुना खर्चा जिस इलाके ने किया है वो नगर विकास विभाग है, PWD विभाग है, जल संपदा विभाग है, जहाँ कंट्राटदारों का फायदा है, कंट्राटदारों का हित जताने का है, वहाँ डबल खर्चा हुआ है। लेकिन कोरोना की संकट में जो विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसा आरोग्य विभाग है, वैद्यकीय शिक्षण विभाग है, उनको जितना निधि मंजूर किया है, प्रोविजन किया है, उससे 50% भी खर्चा हुआ नहीं, इसका मतलब सरकार का इंटरेस्ट कहाँ है वो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। जताने का काम कर रहे हैं, अभी आप कर रहे हैं कि वाटर बिल भरा नहीं है, बंगलों के ऊपर बहुत खर्चा किया है। मेरा कहना है कि आज सरकार ने अपना बंगले का बिल भरना चाहिए, पानी पट्टी भरनी चाहिए। कैसा सरकार का काम है जो आज इलेक्ट्रिसिटी बिल की वजह से जो लोग परेशान हैं उनको 10-10 गुना बिल आता है, लेकिन इधर हम हमारा पानी का बिल भरता नहीं। मतलब यह कैसा सरकार चल रहा है, ये सब इस उदाहरण के माध्यम से दिख रहा है। मुझे लगता है सरकार को जनता के लोगों की पड़ी नहीं, खुद की चैन में ये सरकार डूबी हुई है।